आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रायबरेली के दो दिवसीय यात्रा पर पहुंच रहे हैं। वो जनपद की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों पर जनसभाएं कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का रायबरेली का सघन दौरा पहली बार हो रहा है। वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आएंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं अखिलेश। अपनी विजय रथ यात्रा को अभी तक लेकर जा रहे थे, वहीं अब रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। दो दिवसीय दौरे पर सपा सुप्रीमो रहेंगे और जनता के बीच माहौल बनाते नजर आएंगे। चुनावी समय है और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए भी नजर आएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। तो क्या कुछ तैयारी की गई है ओम शंकर रायबरेली में, जब सपा मुखिया पहुंच रहे हैं? जी, अगले दिन जो है 3 विधानसभाओं में फिर जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, तो क्या कुछ समय निर्धारित हुआ है सपा मुखिया के रैली का? जी हाँ, आज वो चुरुवा मंदिर पर 11 बजे वो आएंगे अपनी विजय रथ यात्रा का रस लेके। जी, तो कितने कार्यकर्ताओं के भीड़ जुटने की संभावना है? निश्चित पूरे समाजवादी पार्टी में एक उत्साह की लहर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी के अभी सिर्फ ऊंचा हाथ से ही 1 सीट पर विधायक है। शेष सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, तो कहीं ना कहीं उसे जो तोड़ने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है आज रायबरेली आ रहे हैं। जी, तो कितने बजे तक पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव रायबरेली? जी 11 बजे वो चुरुवा मंदिर में उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद बछरावा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है गुरबकसगंज और लालगंज में ही जनसभा को संबोधित करते हुए वो PWD के हाउस में रात विश्राम करेंगे। जी, और बाकी 2 दिन का क्या प्रोग्राम है? 2 दिन के बाद फिर उचाहार विधानसभा, सदर विधानसभा और सलवल विधानसभा का वो दौरा करेंगे। जी, और सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं इस रैली के दौरान? जी हाँ, सुरक्षा व्यवस्था पूरे जिले की पुलिस जो है उसकी सुरक्षा में लगा दी गई है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनके स्वागत के लिए सुबह से ही टोल प्लाजा पर लोग जमना शुरू हो चुके हैं। जी ओम शंकर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि रायबरेली में किसका दबदबा ज्यादा देखने को मिलता है, BJP या फिर सपा? हाँ, अगर रायबरेली की बात करी जाए तो कांग्रेस कुल मिला के मुक्त हो चुकी है रायबरेली, चूंकि कांग्रेस के दोनों विधायक एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और एक हरचंदपुर विधानसभा के राकेश सिंह को शामिल होना है। जी, तो इसमें सपा किस कहां दिख रही है, क्या लगता है इस बार कैसा प्रदर्शन करेगी रायबरेली में सपा? हाँ, निश्चित समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवार अब की बार बिल्कुल बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिससे भी लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशियों से होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से लाइव। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जनता के बीच आज पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, सत्ता पर निशाना भी साध सकते हैं और अपनी उपलब्धियां यानी अपने शासनकाल की उपलब्धियां भी गिनाते हुए जरूर नजर आएंगे अखिलेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।